हेलो एवरीवन, लाइटरूम की और नई वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम करेंगे मोडी बनाने वाली फोटो एडिटिंग को अपने लाइटरूम वाले एप्लीकेशन की मदद से। सो ये हमारा 2K स्पेशल वीडियो है। आज हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी बहुत लाइट को एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो लाइट वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे, एक्सपोजर को 0.50 के अराउंड प्लस कर देंगे, कंट्रास्ट प्लस 24 के अराउंड कर देंगे, हाईलाइट्स को कुछ नहीं करना, शेडो को प्लस 41 कर देंगे और वाइट्स को -64। यहाँ पे इसको डन कर देंगे यहाँ से। लाइट एडजस्टमेंट को डन करने के बाद हम कलर वाले टूल्स पे जाएंगे। तो टेम्परेचर प्लस 2 कर देंगे, पिंट -2 करेंगे और वाइब्रेंस को हमेशा प्लस करेंगे 21 या 22 के अराउंड। तो यहाँ से इसको डन कर लेंगे अब। वहाँ से डन करने के बाद हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फेवरेट पे क्लिक करके आर्टिस्टिक को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें नंबर 3 वाले फिल्टर को चूज कर लेंगे, इसको प्लस 115 के अराउंड कर देंगे। तो यहाँ से करने के बाद इसको हम डन कर देंगे अब। डन करने के बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे, फिर से हम कलर वाले टूल्स पे जाएंगे। इस बार हम मिड्स वाले टूल्स पर जाएंगे और रेड कलर से चूज करके उसके ह्यू को प्लस 40 के अराउंड कर देंगे और सेचुरेशन -16 के अराउंड और ल्यूमिनस -80 के अराउंड कर देंगे। तो अगर आपको येलो टोन चाहिए तो सेम टू सेम मेरे तरह करना है, नहीं तो आपको येलो टोन नहीं मिलेगी। रेड कलर करने के बाद ऑरेंज कलर से चूज कर लेंगे, ऑरेंज कलर के ह्यू को प्लस 99 कर देंगे और इसके सेचुरेशन को -29 कर देंगे और इसके ल्यूमिनस को प्लस 36 के अराउंड कर देंगे। तो यहाँ से इसको डन कर देंगे। येलो कलर को चूज करेंगे हम, तो येलो कलर के ह्यू को प्लस 61 कर देंगे, इसके सेचुरेशन को प्लस 39 के अराउंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ह्यू को प्लस 61 कर दिया, इसके सेचुरेशन को प्लस 39 कर दिया है। तो इसके बाद हम ग्रीन में कलर को चूज कर लेंगे। उसके ह्यू को -100 कर देंगे, सेचुरेशन को भी -20 कर देंगे, तो ल्यूमिनस को भी -48 के अराउंड कर लेंगे। तो यहाँ से इसको डन करने के बाद हम सियान वाला कलर को चूज कर लेंगे, इसके सेचुरेशन को -77 कर लेंगे। तो हमें ब्लू कलर को चूज नहीं करना है, हमें वॉयलेट और पिंक से सेचुरेशन को -100 कर देना दोनों को। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया, तो यहाँ से इसको डन कर देंगे अब हम। तो वहाँ से डन करने के बाद हम कलर एडिटिंग टूल्स पे जाएंगे और शेडो को चूज कर लेंगे और इसके पॉइंट को ग्रीन कलर की तरफ कर देंगे हल्की सी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, आपको कुछ इसी तरह से करना है। तो यहाँ से इसको डन कर देंगे अब हम। अब हम हाईलाइट वाले सेक्शन पर जाएंगे, हाईलाइट को थोड़ा सा ब्राउन की तरफ रखेंगे, सर्कल से थोड़ा सा बाहर कर देंगे। यहाँ से इसको भी हम डन कर देंगे अब। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिर से हम लाइट वाले टूल्स पे जाएंगे, कर्व टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, इसे हम दो पॉइंट बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। हम हल्के से नीचे कर देंगे निचले पॉइंट को और ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर थोड़ी तरह प्लस कर देंगे। यहाँ से इसको डन कर देंगे अब हम। उसके बाद हम इफेक्ट वाले टूल पे जाएंगे, तो टेक्सचर प्लस 2 कर देंगे और इसका क्लियरिटी को प्लस 16 या 17 के अराउंड कर देंगे और इसे डीएस को प्लस 44 के अराउंड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमारा ब्राउन टोन वाले लुक आ चुकी है। यहाँ से इसको भी डन कर देंगे हम। हम शार्पनेस वाले टूल पे जाएंगे और शार्पनेस प्लस 20 अराउंड कर देंगे। ये हमारी फोटो पूरी तरह से एडिटिंग हो चुकी है। यहाँ से इसको हम डन कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फोटो को ज्वेलरी में सेव करने के लिए,
स्फीयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और शेप टू इमेज कर देंगे। सो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। सो मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ। सो बाय।